चलो नेक्स्ट। चलो हरे कृष्णा बच्चों। बेटा ऑनलाइन वाले आपको भी हरे कृष्णा। ठीक है, आज हम नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा और हरे राम। आज का लक्ष्य दाता नहीं है। हरे कृष्ण। चलो अब आगे की बात कर रहे हैं। लिखो बेटा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। यस 11। अब आज नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बात कर रहे हैं। चलो लिखो द इफेक्ट्स। बेटा ये आगे जगह खाली पड़ी है, यहाँ जाओ ना। पूरी बेंच खाली पड़ी है, पूरी बेंच। कौन? अच्छा सुनो, मैं आज आगे आओ, मैं बोल रहा हूँ। आ जाओ हाँ हाँ आगे आ जाओ। अरे आगे आओ, मैं देखता हूँ कौन बोलता है। द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन, द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। कवरेज फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। बेटा आप लिखो जल्दी से, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, फॉरेन ऑपरेशंस, फॉरेन ऑपरेशंस, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, नहीं बेटा आ जाना, कोई दिक्कत इसका। अच्छा ज्यादा थोड़ी लगी है। लिख लिया। देखो अब है एस 11, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। तो हमें इसमें तीन बातें करनी है, अगर आप देख रहे हो तो। फॉरेन करेंसी बोलो, ट्रांजैक्शन, दूसरा ऑपरेशन और फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। तो वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। तो पहला हेडिंग लगाओ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले हम
ट्रांजैक्शन की बात करेंगे, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। तो बेटा फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में लिखो आप, इसमें लिखिए फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन ए, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन इसमें हम सबसे पहले करेंगे इनिशियल रिकॉग्निशन, इनिशियल रिकॉग्निशन। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन करेंसी ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इनिशियली इनिशियली बाय अप्लाइंग, बाय अप्लाइंग स्पॉट रेट, बाय अप्लाइंग स्पॉट रेट। ये हो गया आपका इनिशियल रिकॉग्निशन। अब है सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन, सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन ऑन बैलेंस शीट डेट, रिकॉग्निशन ऑन बैलेंस शीट डेट, रिकॉग्निशन ऑन बैलेंस शीट डेट। नंबर वन, ऑल मॉनेटरी आइटम्स शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट क्लोजिंग रेट, शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट अ क्लोजिंग रेट। दूसरा, नॉन मॉनेटरी आइटम, सेकेंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स ए विच आर कैरिड, विच आर कैरिड इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, शुड बी रिपोर्टेड बाय यूजिंग डेट ऑफ ट्रांजैक्शन रेट, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन रेट। बी, विच आर कैरिड एट फेयर वैल्यू,
which are carried at fair value should be reported by using closing rate. By using closing rate. अब लिखो टर्म्स क्या है, अभी एक साथ बात कर लेंगे तो थोड़ा सा लिख लो इसको, तो लिखो टर्म्स नंबर वन मॉनेटरी आइटम, मॉनेटरी आइटम्स मनी हेल्ड, अगर आपको याद हो तो ये लिखवाया था मैंने पहले कहीं, मनी हेल्ड असेट्स एंड लाइबिलिटीज टू बी रिसीव्ड और पेड इन फिक्स्ड अमाउंट, एग्जाम्पल कैश डेटर्स, कैश या रिसीवेबल एंड पेबल्स, सेकेंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स, other than monetary items, other than monetary items. चलो मैं आगे, तो बेटा ये क्या है, हमने बताओ किसके बारे में बातचीत स्टार्ट की है, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। तो ये अच्छा नाम से ही पता चल रहा है, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन नाम से क्या पता चल रहा है बेटा, कोई एक दो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, समझ में आ गया। अगर हम विदेशों से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं बेटा, एक चीज़ तो ये है कि अगर हम ट्रांजेक्शन फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन बात कर रहे हैं तो बताओ हम हैं कहाँ पर, इंडिया में, इंडिया में हैं और हम इंडिया में रिपोर्टिंग किस में करते हैं, रुपीज़ में, इन करेंसी रुपीज़ में हम रिपोर्टिंग करेंगे। और बताओ जब आप रुपीज़ में रिपोर्टिंग करोगे और विदेश से आपने क्या किया है, एक ट्रांजेक्शन किया, इक्का दुक्का ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, बताओ लगातार ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो बेटा फिर उसे ट्रांजेक्शन थोड़ी बोलेंगे, फिर उसे ऑपरेशन बोलेंगे। और शायद ऑपरेशन कहीं आप डिस्कस कर चुके, ब्रांच, अरे ब्रांच ओपन कर लो ना, बार बार गुड्स भेजना है, पैसा मंगवाना है, भेजना है, करना है, तो ब्रांच ओपन कर ली। हम उसकी ऑपरेशन की बात नहीं कर रहे, यानी फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन नहीं है, कोई इक्का दुक्का ट्रांजेक्शन हो रहा है। मुझे बताओ ये इक्का दुक्का ट्रांजेक्शन होंगे क्यों बेटा, इंडिया में इक्का दुक्का ट्रांजेक्शन होते रहते हैं। इंडिया में आप क्या करते हो, एक बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहे हो, आपके पास फंड्स की कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, और आज की तारीख में फंड्स का तो इतना बड़ा इशू रहता भी नहीं है,
आप इंडिया में कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो बताओ मशीनरी चाहिए आपको। भाई साहब मशीनरी क्या बताओ, आए दिन चाहिए होती है क्या बेटा? स्टार्टिंग में आपको पता है एक एक हम लोग घर में ये छोटे छोटे इक्विपमेंट लगाते हैं, एसी वेसी, तो बताओ यही अरे सालों चलते हैं या नहीं चलते? यही सालों तक तो चलते रहते हैं। अब मुझे बताओ एक मशीनरी चाहिए 20-25-30 करोड़ की आएगी और वो विदेश में मिलेगी, क्योंकि अभी भी टेक्नोलॉजी के मामले में बताओ हम कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्री से 15-20 साल पीछे चल ही रहे हैं। वो लोग बहुत एडवांस हैं, वहाँ हमसे तो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांस है, और अभी काफ़ी समय लगेगा, शायद लगेगा क्या, वो हमेशा ही आगे रहेंगे, क्योंकि एक बार जो आगे निकल जाता है रेस में वो मोस्टली आगे ही रहता है, और उन लोगों को तो आगे रहना आता भी है, ये इनके इन प्रकार वो कैसे भी आगे रह लेते हैं। देखो अभी अमेरिका को हथियार बेचने तो लड़ाई करवाई थी उसने, कपिल शर्मा को वहाँ उसका यूक्रेन का प्राइम मिनिस्टर बना दिया, प्रेसिडेंट बना दिया, और पुतिन से भिड़वा दिया। अगर वो आदमी वहाँ समझदार होता, वो कपिल शर्मा ही तो है वहाँ का, वो कॉमेडी कॉमेडी सर्कस में आता था पहले वहाँ के, और वो फिर बन गया वो। कोई भी अगर पॉलिटिशियन होता तो बड़ा कभी भी लड़ता नहीं, देश बर्बाद करवा दिया अपनी ईगो के पीछे। रशिया का गया क्या, फ्रांस अमेरिका सब चिल्ला रहे हैं हम ये प्रतिबंध लगा रहे हैं, बेटा सब उससे पेट्रोल ले रहे हैं, सब बिजली ले रहे हैं और सारे ऑयल ले रहे हैं, जो भी है कोई कोई फर्क ही नहीं पड़ा, यूक्रेन बर्बाद हो गया पूरा का पूरा। तो ये बताओ वो बहुत एडवांस है, उनको एडवांस रहना आता भी है, शायद हम कभी मैच भी नहीं कर पाए। ये बताओ आपको एक टेक्नोलॉजी, आपको एक बिजनेस स्टैब्लिश करना है, और बताओ आपको पता है 20 साल आगे की टेक्नोलॉजी वहाँ मिल रही है, तो आप यहाँ से मशीन लोगे, वहाँ से लोगे मशीन, वहीं से लोगे, बिजनेस कहाँ करोगे? इन इंडिया। तो बताओ आपको ना चाहते हुए भी क्या करना पड़ रहा है, एक ट्रांजेक्शन करना पड़ रहा है, एक ट्रांजेक्शन। ध्यान रखना हम बार बार डील नहीं करने वाले, एक बार मशीन आई इंस्टॉल हो गई बात खत्म, बस समझ में आ गया। वो काफ़ी एडवांस है हमसे, तो हमें करना पड़ता है। अब देखो पिज्ज़ा बर्गर उन्होंने खूब खाया नहीं खाया, दबाकर उन्होंने इन्वेंट किया, दबाकर खाया उन्होंने, तब तक वो पिज्जा बर्गर बोलते थे, उनको पता चला नुकसानदायक है, हार्मफुल है। बेटा उनकी जनरेशन बताओ बर्बाद हो गई, सब ओबेसिटी की शिकार हो गई, सब में डायबिटीज हो गई कम एज में ही, उनको समझ में आया ये बेकार चीज़ है, तो पहले वो पिज्जा बर्गर बोलते थे, अब जंक फूड बोलने लग गए, क्योंकि उनको समझ में आ गया बेकार है। अब उनको 20 साल पहले ही पता चल गया, अब बताओ कहाँ बिक रहा है वो धड़ल्ले से, इंडिया में। इंडिया में जीन्स फाड़ फाड़ के वहाँ पहुँच जाते हैं, कच्ची झोंपड़ी पक्की झोंपड़ी में, और वो फिर वो गरम कुत्ता पिज्ज़ा डॉग ये पता नहीं क्या क्या मंगवाते रहते हैं। अब आप ये बताओ आज आपने आपको इंडियन क्या मानकर चल रहे हैं, जब वो पिज्ज़ा का वो पकड़ते हैं वो एक सड़ी गली सी ब्रेड जब वो खा रहे होते हैं तब अपने आप को मॉडर्न समझ रहे होते हैं। आ रही बात समझ में? आदमी अब मॉडर्न, क्योंकि उनको तो 20 साल पहले ही पता चल गया बकवास चीज़ है, उन्होंने अपना कचरा फेंका, अब वो फेंकते भी बहुत तेज हैं, वो इंडिया में आके गिर गया, इंडिया में किसी ने टेस्ट किया तो समझ में आया कि भाई ये तो बहुत टेस्टी चीज़ है। अब इंडियन तुले पड़े हैं, बस मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, अभी जो यंग जनरेशन के बच्चे छोटे छोटे से हैं ये पिज़्ज़ा बर्गर पेस्ट्रीज इन्हीं पर टिके हुए हैं, और ऐसे मेरे दोस्तों के बच्चे आते हैं मैं जोर से फू भी कर देता हूँ ना तो दूसरे कमरे में चले जाते हैं, तो दूसरे कमरे में मेरे बच्चों को बोलता हूँ, मेरा छोटा वाला बेटा कई बार पकड़ लेता है वो, मैंने कहा तू जोर से मत पकड़ना हत्या का केस लग जाएगा फालतू में, बेटा कुछ खाते ही नहीं पिज्जा बर्गर के अलावा, कुछ नहीं खाते। अच्छा इन चीज़ों का अगर शौक लग जाए तो फिर रोटी सब्जी भाती भी नहीं है आदमी को आसानी से, फिर वो खाता भी नहीं है, फिर आप कितना भी कर लो। इनिशियली पेरेंट्स अपनी मेहनत बचाने के लिए ये चीज़ें कर देते हैं, फिर बाद में वही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। नाम भी वो एक का तो ब्रिंजल रख रखा है, वो त्रिंजल, अब मैं तो वो ब्रिंजल अब यार ऑनलाइन और बोल रहा हूँ, चलो ख़त्म करते हैं ऑनलाइन, फिर बहुत सारी चीज़ें चल जाती। नहीं कोई जानकार वो जिनका मैं बोल रहा हूँ कहीं जिक्र हो जाए, नाम तो ले ही दिया मैंने गलती से, चलो मुद्दे पर आते हैं, इसे एडिट करवा दूँगा। तो बेटा ये बताओ हम लोग एडवांस हो रहे हैं, ये बताओ हम लोगों को एडवांस होने के लिए टेक्नोलॉजी कहाँ से लेनी पड़ती है, विदेशों से। तो जो बिजनेस कैपेबल है बेटा वो मशीनरीज बताओ कहाँ से लेकर आता है,
बाहर से लेकर आता है, तो वो वन टाइम बताओ क्या कर रहा होता है, ट्रांजेक्शन कर रहा होता है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है बेटा, मैं जब वन टाइम ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ ड्यूरिंग द होल ईयर, कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं होना। बस मैंने क्या किया है, एक मशीन खरीदी है या फर्नीचर खरीदा है, वट एवर जो भी खरीदा है, मैं ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ, यानी फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, इक्का दुक्का ट्रांजेक्शन है। अब बेटा ट्रांजेक्शन लिया तो हो सकता है उसका पेमेंट मैं दो तीन इंस्टॉलमेंट में करूँ, तो वो दो चार ट्रांजेक्शन हो जाएंगे बस। अब मैं इसे बताओ बुक्स में कैसे रिकॉग्नाइज करूँ, ये मेरे सामने एक समस्या है। तो मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मुझे गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, इस पर वो दो चीज़ रिकमेंड करता है। एक, फॉरेन ट्रांजेक्शन के केस में नंबर वन, अगर आप गौर से देखो तो मैंने दो शब्द लिखे हैं, एक इनिशियल रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन का मतलब समझ गए होंगे, जब आपने ट्रांजेक्शन किया उस समय किस पर रिकॉग्नाइज होगा, और एक सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन का मतलब बैलेंस शीट डेट पर रिकॉग्निशन, मैंने लिखवा दिया ब्रैकेट में, हालांकि टेक्निकल वर्ड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ही है। तो बेटा बैलेंस शीट डेट पर, मुझे ये बताओ यहां पर, आप बात ध्यान से सुनना और समझना, ये आपका यहां 1 अप्रैल 2011 है, ये 31 मार्च 2012 है, और यहां मान लीजिए आपने 1 जनवरी 2012 या जो भी आप लेना चाहो डेट वो ले लो, हमने बेटा हमारा बिजनेस इंस्टॉल किया था, वो बिजनेस इस्टेब्लिश किया था, तो हमें एक मशीन इंस्टॉल करनी थी, हमें लगा मशीन वहाँ अच्छी मिलेगी, तो हमने वहाँ से एक मशीन खरीद ली। हमने वहाँ से 1 लाख डॉलर की एक मशीन परचेज की, और आज की तारीख में अब बताओ मेरी बुक्स में, इंडिया में बैठा हूँ मैं, मैंने मशीन मंगवा ली, इंडिया में मुझे बिजनेस करना है, तो बताओ मेरी बुक्स में एंट्री क्या होगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ठीक है ना, ये आ गया, ये क्रेडिटर आ गया, बताओ कौन, ट्रिपल एच, ऐसे नाम होते हैं वहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर यहाँ क्रेडिटर ही लिखे क्रेडिटर्स, ठीक है ना, तो वहाँ ऐसे ही नाम होते हैं। तो ये बताओ अब यहाँ अमाउंट कितना लिखूँ, तो ध्यान रखना ये क्या कहलाएगा, जिस दिन 1 जनवरी को आपने ट्रांजेक्शन, 1 जनवरी 2012 को बताओ क्या किया आपने, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया, उस दिन आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है इसका आईआर करो, यानी इनिशियल रिकॉग्नाइज करो। इनिशियली किस रेट पर रिकॉग्नाइज होगा, देखना ये लिखा हुआ है उसमें बेटा, इनिशियल रिकॉग्निशन, देखो कॉपी में क्या लिखा है, बाय अप्लाइंग स्पॉट रेट। स्पॉट रेट का मतलब उस दिन एक्सचेंज रेट क्या था, आज डॉलर का रेट मान लीजिए, डॉलर का रेट है 48 पर डॉलर, 1 रुपी इक्वल्स टू 48 पर डॉलर, समझ में आ गया, और ये रेट बताओ क्या होगा हमेशा, अरे बेटा मेंशन होता है ये, तो आप न्यूज़पेपर देखते हो डेली, उसमें डॉलर का रेट आता है डेली का, समझ में आ रहा है, वो कैसे डिसाइड होता है, हमें लेना देना नहीं है, हमारे पास रेट है। तो ये बताओ कितना मैंने, कितने का असेट खरीदा, 48 का, इसे बेटा क्या बोलते हैं, इनिशियल रिकॉग्निशन। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया, तो मैं फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ जो इक्का दुक्का होते हैं, उस केस में मुझे इनिशियल रिकॉग्निशन करना होगा। इनिशियल रिकॉग्निशन किस पर होगा, स्पॉट रेट पर। स्पॉट रेट का मतलब उस दिन का जो एक्सचेंज रेट है, मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया। अब मुझे इस आदमी को बताओ कब देना था पेमेंट, 2 महीने बाद, 1 जनवरी को लिया, तो बताओ 1 मार्च को मुझे इसे पेमेंट करना था, मैंने इसे कमिट किया था 1 मार्च को, ध्यान से सुनते रहना फिर बात खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में, फिर ना फिर मैंने इस आदमी को कमिट किया था 1 मार्च को पेमेंट करना है, बात समझ में आ गया। तो बताओ अब मैं क्या करने वाला हूँ, सेटलमेंट, किसका सेटलमेंट, क्रेडिटर का सेटलमेंट करना है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, 1 मार्च को मैंने क्रेडिटर कर दिया। तो इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद बताओ मैं क्या कर रहा हूँ, सेटलमेंट, बेटा सबसीक्वेंट नहीं कर रहा, सब्सिक्वेंट के लिए मैंने ब्रैकेट में कंडीशन लिखवाई है, बैलेंस शीट डेट, मैं तो गया ही नहीं बैलेंस शीट डेट पर, पहले ही क्या हो गया यहाँ पर, सेटलमेंट। तो बताओ एंट्री क्या बनेगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बोलो कितने रुपए, 48, टू बैंक, क्या मुझे 48 लाख ही देने हैं क्या, बेटा नहीं, ध्यान रखना मुझे 48 लाख नहीं देने, मुझे तो $1 लाख देने, सामने वाला थोड़ी जानता है तुम किस करेंसी में एंट्री कर रहे हो, तुम्हारी लोकल करेंसी क्या है, होम करेंसी क्या है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैंने तो $1 लाख का पेमेंट करना है बस।
आज डॉलर का रेट बताओ कितना हो गया? 50। क्योंकि डॉलर तो आम आदमी के पास मिलता नहीं है, आपको बैंक में पैसा डिपॉजिट करना होगा, देन आफ्टर बैंक आपको डॉलर इशू कर देगा और फिर आप सेटलमेंट कर दीजिएगा। ये बताओ मैंने पेमेंट कितने का किया? बेटा बैंक को पेमेंट किया, बैंक के थ्रू फिर उसके पास पे वो 1 लाख डॉलर चले गए। समझ में आ रही है बात? क्या हो गया मुझे? धोखा नहीं, लॉस। अच्छा 2 लाख, सॉरी सॉरी 2 लाख। मुझे लगा धोखा। हाँ नहीं नहीं आप, अरे मैं देख ही नहीं रहा तुम लोगों की तरह। फिर वही चीज आ गई। उसने 2 लाख बोला तो मुझे धोखा लगा। नेक्स्ट, तो बताओ यहां पर क्या हो गया? आपका 2 लाख का लॉस हो गया। ये किस वजह से हुआ? एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से। एक्सचेंज डिफरेंस की, इसका मतलब ये हुआ कि फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन को अगर मैं सेटल करूंगा तो बताओ क्या आएगा? एक्सचेंज डिफरेंस आएगा। जो डिफरेंस आएगा ना फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन को, अच्छा सेटलमेंट क्यों होगा, सॉरी डिफरेंस क्यों आएगा, वो आपको समझ में आ गया होगा। बेटा डेली रेट बदलता है क्योंकि आप 1 डॉलर को जब एक्सचेंज कराओगे, डॉलर पावरफुल है तो इसलिए हम 1 डॉलर को बेस बनाकर चलते हैं। जब आप इसको एक्सचेंज कराओगे तो ये जो आपका मनी है ये बार बार चेंज होगा, और इस चेंज की वजह से, हाँ अगर आप उसी दिन सेटलमेंट कर देते तो बात ही खत्म हो जाती। बेटा नेक्स्ट डे जाते ही चीज़ों में बदलाव आ सकता है। यहाँ तो हम 2 महीने आगे चले गए तो यहाँ पर डिफरेंस आ गया, तो ये जो डिफरेंस है इसको हम एक्सचेंज डिफरेंस के नाम से जानेंगे। हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है एक्सचेंज डिफरेंस है, और ये एक्सचेंज डिफरेंस डेबिट भी हो सकता है, मतलब फ़ायदा भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। बिकॉज ऑफ दिस एक्सचेंज डिफरेंस आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो नुकसान है। अगर ये लाइबिलिटी घट गई होती, क्वाइट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है कि भाई कम हो जाए, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में बताओ क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है। तो ये जो एक्सचेंज डिफरेंस है, या तो ये गेन बनेगा या लॉस बनेगा, और जो भी बनेगा बताओ कहाँ चला जाएगा? ये ईयर एंड में 31 मार्च 11, बताओ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज डिफरेंस अमाउंट रुपीज 2 लाख। 2 लाख का आपको लॉस हो गया बिकॉज ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस इस साल, क्योंकि आपने एक फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन किया था। क्या बात समझ में आई क्या सबको? सारे बच्चे बोलो क्लियर है? बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से बोलो क्लियर हो यहाँ तक? तो अगर सबका क्लियर है, फॉरेन एक्सचेंज के केस में लॉस भी हो सकता है। तो अभी बताओ हमने क्या लिखा? इनिशियल रिकॉग्निशन, फिर सबसीक्वेंट रिकॉग्निशन जिस पर मैं अभी गया ही नहीं, बीच में सेटलमेंट हो गया। तो हमें एक बात समझ में आई, बताओ क्या? फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन के केस में बताओ क्या अराइज हो सकता है? एक्सचेंज डिफरेंस अराइज हो सकता है, जो गेन या लॉस हो सकता है, बताओ वो कहाँ चार्ज होगा? पी एंड एल में चार्ज किया जाएगा। क्लियर है ना? तो लिखो आप, एक नोट लगाओ, नोट, ड्यू टू फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन एक्सचेंज डिफरेंस डिफरेंस एक्सचेंज डिफरेंस अराइजेज इफ एनी arises if any, कोई ज़रूरी नहीं है, अगर वो सेम बोल दे तो आएगा भी नहीं, if any should be treated as an income or expense and credited or debited to P&L account as per AS 11, as per AS 11। तो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है अगर एक्सचेंज डिफरेंस आता है तो, क्योंकि कई बार बोल देगा वो कॉमन है तो नहीं आएगा, अगर आता है तो उसे या तो इनकम मानोगे या
एक्सपेंस मानोगे और पीएनएल में या तो डेबिट कर दोगे या फिर क्रेडिट कर दोगे अकॉर्डिंगली, फिर आप डीआरसीआर कर देना। चलें आगे, क्योंकि आपको डेबिट क्रेडिट तो मैच कराना ही कराना है, तो उसे आप इनकम या एक्सपेंस मानोगे। और बताओ एक्चुअल में वो इनकम एक्सपेंस है या नहीं। अरे अभी आपको बताया 50 लाख रुपए आपको ज्यादा देने पड़ रहे हैं 2 लाख रुपए, तो एक्चुअल में वो है भी आपके लिए गेन या लॉस। हटा दें इसे। तो एक बात हमें समझ में आई, ये क्या हो रहा है, क्लास चल रही है, आप ऊपर से या नीचे क्यों शिफ्ट हो गए? चलो ये बताओ, एक बार चंचल भैया को बुला के लाना। नहीं इनको इधर मत बोलना, सामने से भैया को, चंचल भैया को बुला। एक सेकेंड आ गया, चलो बेटा आप फोकस करो। देखो अगर हम बात करें, दोबारा कॉन्सेंट्रेट करना बेटा, मैंने एक बार बार मैं मेरा जो है ना फोकस पॉइंट है, अगर आप ध्यान से सुनो, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब समझ गए, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है, इक्का दुक्का ट्रांजेक्शन होंगे। मैंने यहाँ पर एक फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन किया, बताओ क्या किया, एक मशीन परचेज की, तो बताओ मैं एंट्री क्या डालूंगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, क्योंकि मैंने अभी सेटलमेंट नहीं किया क्रेडिटर और क्रेडिटर। यहाँ पर बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा, जल्दी बोलो, IR इनिशियल रिकॉग्निशन करना होगा। अगर मैंने एक फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन किया है तो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है आप बुक्स ऑफ अकाउंट में इनिशियली रिकॉग्नाइज करो, यानी स्टार्टिंग में रिकॉर्ड करने का एक टेक्निकल वर्ड बोल दिया उन्होंने। तो ये बताओ 1 लाख इनिशियल रिकॉग्निशन हमेशा किस पर होगा, स्पॉट रेट। स्पॉट रेट का मतलब डेट ऑफ ट्रांजेक्शन का रेट। तो बताओ ये कितना हो गया, 48 लाख। क्लियर है? यहाँ कहीं बताओ क्या हो गया, 1 मार्च 2012 को बताओ क्या हो गया, ये सेटलमेंट हो गया। तो एंट्री क्या बनी यहाँ पर, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बताओ कितने रुपए, 50 लाख रुपए, जबकि बताओ मेरी लायबिलिटी, हाउ इट इज पॉसिबल, बिकॉज ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस अमाउंट रुपीज 2 लाख। अब ये 2 लाख का जो एक्सचेंज डिफरेंस है एक्चुअल में हुआ है, यानी मेरी पॉकेट से एक्स आ गया है जबकि जाना 48 था, तो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है, या तो ये एक्सचेंज डिफरेंस लॉस बनेगा या गेन बनेगा। तो ईयर एंड में बताओ कहाँ चला जाएगा, ये पी एंड एल में।
तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज डिफरेंस, ये आपको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। ये लो, तो मैंने आपको ये अभी समझाया था और मैंने फिर उसके बाद एक पॉइंट आपको लिखवा दिया। अब मैं दोबारा आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने एक मशीन कब खरीदी, 1 जनवरी को एक मशीन खरीदी, और बताओ मैंने क्या कर दिया उसका। 1 जनवरी को जब मशीन खरीदी तो मैंने उसका इनिशियल रिकॉग्निशन कर दिया। एंट्री क्या बनी, मशीन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, मशीन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, बोलो 1,00,000 × 48, तो ये 48 लाख। अब ध्यान से सुनना बेटा, मैंने कमिटमेंट किया था 6 महीने बाद पेमेंट करूंगा, मैने इनको कमिटमेंट किया था आफ्टर 2 मंथ नहीं आफ्टर 6 मंथ पे करूंगा। तो बताओ मेरी डेट ऑफ सेटलमेंट क्या है, मेरी डेट ऑफ सेटलमेंट आ गई यहाँ पर अप्रैल मई जून, तो 1 जुलाई को मैं पेमेंट करूंगा, 1 जुलाई को आफ्टर 6 मंथ मैं सेटलमेंट करने वाला हूँ। बढ़िया बात है, कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ ये बैलेंस शीट डेट आ गई, ये बैलेंस शीट डेट आ गई। अब बैलेंस शीट में बताओ, बैलेंस शीट में मैं मशीन कितने की दिखाऊंगा, 48 लाख की। मशीन में दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं, 48 लाख की, और उसमें से बताओ क्या माइनस कर दूंगा, डेप्रिसिएशन वेप्रिसिएशन जो भी बनता होगा वो लेस करके मैं दिखा दूंगा। समझ में आ गया, मशीन में बिल्कुल भी जरूरत नहीं दिमाग लगाने की। अब मैं आ रहा हूँ बताओ किस पर, क्रेडिटर्स। मैं बताओ क्रेडिटर कितने के दिखाऊंगा, बोलो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, अगर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का बताओ बैलेंस शीट डेट तक क्या नहीं होता, तो फिर क्या करना पड़ता है, सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन करना होता है, सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन करना पड़ेगा। सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन का मतलब बेटा, मैं मेरी बैलेंस शीट में यहां पर 48 लाख की लायबिलिटी नहीं दिखा सकता, मशीन में दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि मशीन तो आपको यूज करनी है और डेप्रिशिएट करके दिखाते रहो, लेकिन ये लायबिलिटी बताओ आपको क्या करनी है, सेटल करनी है, तो 48 थोड़ी दिखा दोगे। आज डॉलर का रेट है मान लीजिए 55 रुपये, आज डॉलर का रेट 31 मार्च बैलेंस शीट डेट पर 55 रुपये है, तो बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, मुझे इसका मतलब इसका एसआर करना पड़ेगा, बैलेंस शीट डेट पर मुझे सब्सीक्वेंट मेजरमेंट करना पड़ेगा या सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन करना पड़ेगा। अच्छा, सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन का सबका होगा क्या, नहीं, जो आपको सेटल करना है उसी का करोगे ना। मुझे किसका नहीं करना, किसका करना पड़ेगा, क्रेडिटर का। आज की तारीख में बताओ डॉलर की रेट कितनी चल रही है भाई, $1,00,000। ध्यान रखना मुझे क्रेडिटर सेटल किस में करना है, डॉलर्स में ही करना है, तो मुझे $1,00,000 देने पड़ेंगे। आज डॉलर का रेट 55 है, तो बताओ आज के हिसाब से 55 लाख बनते हैं, 55 लाख बनते हैं, और तो क्रेडिटर बुक्स में कितने के आने चाहिए, 55 लाख के आने चाहिए। लायबिलिटी बैलेंस शीट में ट्रू एंड फेयर तो होनी चाहिए ना, 55 लाख आने चाहिए। अब मुझे बताओ मैंने ऑलरेडी कितने पर दिखा रखा है, 48 पर तो मैंने ऑलरेडी दिखा रखा है, तो बताना 7 लाख क्या आ गया, ये एक्सचेंज डिफरेंस किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ एसआर, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। तो 31 मार्च 2012 बताओ एंट्री क्या बनेगी, एक्सचेंज, सॉरी, मैं मेरी लायबिलिटी को अपडेट कर रहा हूँ टू क्रेडिटर्स। बेटा क्रेडिटर्स कितने से बढ़ा दूँ, 7 लाख से क्रेडिटर बढ़ा दूँ, क्योंकि मुझे अपडेट करना पड़ेगा। और ये किसकी वजह से बढ़ गए, एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट अमाउंट ₹7,00,000। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब ये कहाँ चला जाएगा, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज डिफरेंस, ये चला गया आपका एक्सचेंज डिफरेंस 7 लाख। और बताओ ईयर एंड में, ये हो गया इसका एसआर, ईयर एंड में बताओ क्या होगा। अब पी एंड एल में और बैलेंस शीट में इंपैक्ट देखो, मुझे किससे मतलब नहीं है, मशीन से लेना देना है नहीं, क्रेडिटर्स बताओ कितने के आएंगे, 55 लाख के, क्योंकि मैंने 48 के रिकॉग्नाइज किए थे और बाद में इनको इम्प्रोवाइज किया जिसकी वजह से लॉस हो गया, एक्सचेंज डिफरेंस। बेटा लायबिलिटी को बड़ा चढ़ा कर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो नुकसान होगा, तो ये 7 लाख का नुकसान बुक कर दिया क्योंकि लायबिलिटी। क्या ये गलत बुक किया है या सही बुक किया है, अरे आज की तारीख में 101% करेक्ट है, ट्रू एंड फेयर व्यू तो यही है।
अगर मैं 48 रिकॉर्ड कर देता तो गलत हो जाता। बोलो बात समझ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन का क्या हमेशा एसआर होगा क्या? जल्दी से बोलो, क्या फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन का हमेशा एसआर होगा क्या? शायद समझ में आ गया होगा, नहीं होगा। बेटा फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन अगर ड्यूरिंग द पीरियड हुआ है और वो बैलेंस शीट से पहले ही सेटल हो जाए, चाहे वो रिसीवेबल हो या पेएबल हो, मैटर नहीं करता। अब आप बोलोगे सर डेटर हुआ तो बेटा वो डेटर होगा तो कैसे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, गेन हो जाएगा। एक चीज़ दिमाग में रखना, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन मोस्टली बताओ कैसे जन्म लेते हैं? बेटा हम मशीन्स परचेज करते हैं मोस्टली, ठीक है ना? तो इसीलिए मैंने उसी कॉन्टेक्स्ट में बात की है। तो ये आपका एसआर हमेशा हो ज़रूरी नहीं है। अगर बैलेंस शीट डेट से पहले सेटलमेंट हो गया तो केवल एक्सचेंज डिफरेंस आएगा एक बार, वो भी किसका? सेटलमेंट का। अगर आपका फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन हुआ और बीच में बैलेंस शीट डेट आ गई तो दो बार एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, तो दो बार एक्सचेंज डिफरेंस आएगा। रीजन समझ में आया? एक सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन पर और एक सेटलमेंट पर, क्योंकि 1 जुलाई को तो सेटल करना ही है। अब 1 जुलाई की सिचुएशन देखो आप, ये मैंने दिखा दिया कितने का बुक्स में रिकॉर्डेड है, 55 का बुक्स में रिकॉर्डेड है। और बेटा 1 जुलाई आ गई, ये 1 जुलाई, 1 जुलाई 2012, ये मैंने किया क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बताओ कितने रुपए से? 55 लाख से टू बैंक। बताओ मैं कितने रुपए दूंगा? बेटा मैं तो डॉलर्स दूंगा, और आज का डॉलर का रेट मान लो 52 है। अरे आज का डॉलर का रेट 50 कम हो गया, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो बताओ मुझे कितने देने पड़ेंगे? ध्यान रखना ये तो डेबिट 55 से ही होगा, क्योंकि बुक्स में आपके 55 है, तो 52 लाख। और बताओ क्या हो गया? 2 एक्सचेंज डिफरेंस कितना? 3 लाख। अब की बार बताओ क्या हो गया? ये गेन हो गया। चलो आगे, अब बताओ ईयर एंड 31 मार्च 2013 को क्या करो आप? बेटा एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू P&L, ये P&L में चला जाएगा 3 लाख, कहानी खत्म। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको बात समझ में आ गई होगी, वैसे हम फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन के केस में बताओ क्या करेंगे? इनिशियल रिकॉग्निशन और सेटलमेंट। लेकिन कभी कभी बताओ हमें क्या करना पड़ सकता है? इनिशियल रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन और सेटलमेंट। अगर इनिशियल रिकॉग्निशन और सेटलमेंट के डेट के बीच में बताओ क्या आ गया? बैलेंस शीट डेट आ गया, तो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करना पड़ेगा। अगर आपके इनिशियल रिकॉग्निशन और सेटलमेंट के बीच में बैलेंस शीट नहीं आया तो आपको, बोलो समझ में आ गया, इनिशियल रिकॉग्निशन और सेटलमेंट, और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन और सेटलमेंट दोनों ही केसेस में क्या आएंगे? एक्सचेंज डिफरेंस। और वो दोनों ही कहाँ चले जाएंगे? P&L में चले जाएंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर में P&L में चले जाएंगे। शायद मेरी बात समझ में आ गई सबको, बोलो क्लियर है? बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से बोलो यहाँ तक की कहानी सबको समझ में आई। अच्छा अब ठीक है, वेरी गुड। अब मैं मेरी बात को आगे बढ़ाता हूँ। मैंने 2 टर्म्स लिखवाए, कुछ पूछना है? पूछना है, चलो आगे। बेटा मैंने आपको 2 बातें लिखवाई, 2 टर्म्स लिखवाए, एक मॉनेटरी और एक नॉन मॉनेटरी। अब मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। बेटा मॉनेटरी क्या है बताना? देखो हम लोग मॉनेटरी को क्या मान के चलते हैं? जिसको मनी में मेजर किया जा सके? नहीं। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में, जब मैंने ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ाई थी तभी मैं बता चुका। बेटा मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी का जो क्लासिफिकेशन है वो किसके हिसाब से है? AS 11 के हिसाब से। AS 11 बताओ किसको बोलता है? बैलेंस शीट आइटम्स को 2 टर्म्स में डिफाइन करता है, या तो उनको मॉनेटरी बोलता है या फिर वो नॉन मॉनेटरी। इसका मतलब मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी ये नहीं है विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी और नॉट मेजर, आ गया, उससे लेना देना नहीं है। बैलेंस शीट में क्या आते हैं? असेट्स और लाइबिलिटीज। तो आपका AS 11 बैलेंस शीट के आइटम्स यानी असेट्स और लाइबिलिटी को किस में क्लासिफाई करता है? मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी में क्लासिफाई करता है। अब हमें समझना है मॉनेटरी क्या है। बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने 3 नाम स्पेसिफिकली ले रखे हैं, मैंने वो ब्रैकेट में लिख भी दिया, कैश, डेटर्स और क्रेडिटर्स। इनको क्या बोलता है वो? मॉनेटरी आइटम। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वो बोलता है कैश,
assets and liabilities to be received or paid in fixed and determinable amount. ये technical word है, वो ये बोलता है जो भी चीज बताओ क्या है बैलेंस शीट में, असेट्स या लाइबिलिटी में, फिक्स्ड एंड डिटर्मिनेबल, डिटर्मिन एक ही बात है, फिक्स्ड अमाउंट में है उसको मैं मॉनेटरी आइटम बोलता हूँ. जो भी चीज बैलेंस शीट में फिक्स्ड अमाउंट में है उसको मैं मॉनेटरी आइटम बोलता हूँ, और बचे हुए सारे नॉन मॉनेटरी हैं. तो फिक्स कौन है बताओ, डेटर्स, क्रेडिटर्स और कैश. बस मैं पहले भी आप लोगों को इस बात को समझा चुका. ये बताओ डेटर्स हैं, आपके पास 10,000 रुपये. आज आपने 10,000 रुपये का प्रोडक्ट बेचा और इसने कहा कि मैं 6 महीने बाद पेमेंट करूंगा. मुझे बताना 6 महीने बाद कितने देगा? अरे 10 ही देगा. समझ में आ गया? हम किस में बात कर रहे हैं? रिलेवेंट करेंसी में. एक्सचेंज डिफरेंस मत देखना बेटा, रिलेवेंट करेंसी में बताओ. रिलेवेंट करेंसी का मतलब अगर आप रुपीस में बात कर रहे हो तो ये रुपीस में फिक्स है, अगर आप डॉलर में बात कर रहे हो, मान लो डॉलर में सेल किया तो बताओ डॉलर में भी 10 ही मिलेंगे. तो रिलेवेंट करेंसी में, एक्सचेंज की बात नहीं कर रहे हम. मैंने किसी क्रेडिटर से परचेज किया $10,000 का, बताओ 3 महीने बाद मुझे उसे देना है, कितना दूंगा? $10,000 ही दूंगा. मैं कन्वर्जन की बात नहीं कर रहा, $10,000 ही दूंगा. बोलो बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये हुआ, मुझे आप एक चीज बताइए, अगर कोई अमाउंट फिक्स अमाउंट है तो बताओ वो क्या है? मॉनेटरी आइटम, चाहे वो असेट्स हो या लायबिलिटी हो. तो बताओ बैलेंस शीट में फिक्स क्या रहता है? केवल डेटर्स, क्रेडिटर्स और कैश. रिलेवेंट करेंसी में यही फिक्स रहता है, बाकी कोई फिक्स नहीं रहता. फॉर एग्जाम्पल बेटा, बैलेंस शीट में मशीन है, मशीन है 10,000 रुपये की. बताना क्या 10,000 रुपये मिल जाएंगे क्या? अरे बोलो, अरे कुछ नहीं पता. 10 से ज़्यादा भी मिल जाए, 10 से कम भी मिले. स्टॉक है, बताओ ज़्यादा भी मिल जाए कम भी मिल जाए. आ गया समझ में? नेक्स्ट, इधर आप शेयर कैपिटल है 10,000 रुपये की, बैलेंस शीट में दिखा रखी है आपने. तो बताओ क्या शेयर आपके पास 100 शेयर हैं एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, तो क्या 100 शेयर आपके 10,000 में बिकेंगे क्या अगर आप बेचने जाओगे तो? समझ में आ रहा है? मार्केट वैल्यू कुछ ऊपर नीचे हो सकती है. तो आप बैलेंस शीट में बेटा किसी भी आइटम का नाम ले लो, केवल 3 ही आइटम फिक्स हैं जिनकी वैल्यू वही रहती है जो बैलेंस शीट में. एक डेटर्स. आप बोलोगे साहब डेटर्स का डूब भी तो जाता है ना, हम एबनॉर्मल सिचुएशन की बात नहीं कर रहे, हम इन जनरल बात कर रहे हैं. ऐसे तो मशीन जल जाए तो कौन सा मिल जाएगा बेटा? आप एक्सेप्शनली बात नहीं कर सकते, हम जनरल बात कर रहे हैं. तो 3 ही आइटम हैं जो आपको मिलेंगे, डेटर्स, क्रेडिटर्स और कैश, और बाकी सारे नॉन मॉनेटरी. इसका मतलब मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी क्या है? बैलेंस शीट का क्लासिफिकेशन. बैलेंस शीट की असेट और लायबिलिटी जो फिक्स हैं वो मॉनेटरी हैं, जो फिक्स नहीं है जो नॉन मॉनेटरी है. यहाँ तक बात समझ में आए? ये दो टर्म्स. इससे आगे आपका बेटा लंच ब्रेक है, तो अब हम फिक्स ध्यान रखना बेटा, मैं 15 मिनट नहीं बोल रहा, पूरे 20 मिनट दे रहा हूँ, लेकिन 15 मिनट बाद आप लोग वापस आना स्टार्ट कर देना, ठीक है ना? फिक्स 1 बजे क्लास, क्योंकि इससे आगे मैं बोलूँगा, मैं 1 बजे गेट बंद कर दूंगा. सुन लो मेरी बात ध्यान से, फिक्स 1 बजे गेट बंद कर दूंगा मैं, किसी को एंटर नहीं होने दूंगा. हरे कृष्णा बच्चों, हरे कृष्णा. Okay.
अरे चलो बैठ जाओ जल्दी से फटाफट। अरे इधर बैठो फटाफट जल्दी से बेटा लास्ट। हरे कृष्णा बच्चों, अब बातचीत नहीं, इधर इधर बेटा जो भी क्लास में आ गया अब सामने देखना स्टार्ट कर दो। हरे कृष्णा बेटा, देखो हम लोगों ने बातचीत की थी। मैंने हरे कृष्णा बेटा, मैंने आप लोगों से बातचीत की थी फौरन। इधर बेटा जो भी आ रहा है शांति के साथ बैठते जाओ, शांति के साथ। नेक्स्ट, तो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को कहा था, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन के लिए मैंने आपको कहा था आप ध्यान से सुनते रहो, कोई भी जो आ रहा है डिस्टर्ब नहीं करेगा। बेटा हमने डिस्कशन किया था, हम फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का बताओ सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनिशियल रिकॉग्निशन करेंगे। बेटा हम इनिशियल रिकॉग्निशन करेंगे और इसका फिर बाद में या तो सब्सिक्वेंट सॉरी सेटलमेंट होगा या फिर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन होगा, और दोनों पर एक्सचेंज डिफरेंस आएगा वो पीएनएल में जाएगा। हो सकता है आप ईयर एंड में जब एसआर करो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करो, तो बता मैंने दो बातें लिखवाई हैं अगर आप देखो तो। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन पर मॉनिटरी आइटम बताओ किस पर वैल्यू होगा। बेटा सारे बच्चे जो लिखवाया हुआ है ना उस नोट पर कॉन्सेंट्रेट करो, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन पर मॉनिटरी आइटम किस पर वैल्यू होगा, क्लोजिंग रेट पर। अच्छा मॉनिटरी आइटम का मतलब
अभी हमने डिस्कशन किया था मॉनेटरी आइटम का मतलब कैश, डेटर्स और क्रेडिटर्स, समझ में आ गया। तो ये जो मॉनेटरी आइटम है ये क्लोजिंग रेट पर, ये बताओ अभी जो मैंने ट्रांजैक्शन बताया था आपको, जो मैंने ट्रांजैक्शन बताया था बताना वो क्या था, मशीन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ये ट्रांजैक्शन था बेटा। $1,00,000 का मैंने इनिशियल रिकॉग्निशन एट द रेट ऑफ ₹48 किया था। बताओ बैलेंस शीट डेट पर मैं इसमें से किसका एसआर करूंगा? बेटा मुझे इसका एसआर करने की जरूरत नहीं है। अरे ये किसी को पे थोड़ी करना है, सारे बच्चे ध्यान से सुनना और समझना, ये किसी को सेटल थोड़ी करना है, इसे तो डेप्रिशिएट करूंगा और बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा दूंगा। बोलो बात समझ में आ गई? सेटलमेंट किसका करना है? क्रेडिटर का। तो इसका ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन बैलेंस शीट डेट पर होना चाहिए। और बताओ ये क्रेडिटर है क्या? बेटा मॉनेटरी आइटम, ये क्रेडिटर मॉनेटरी आइटम है। अच्छा क्रेडिटर मॉनेटरी आइटम है तो बताना यहाँ पर किस पर वैल्यू होगा? क्लोजिंग रेट पर। तो आपको नहीं लगता इस मॉनेटरी आइटम का इनिशियल रिकॉग्निशन अलग रेट पर हुआ था और ईयर एंड में बताओ क्लोजिंग डेट पर इसका, ईयर एंड में इसका रिकॉग्निशन बताओ किस पर होगा? क्लोजिंग रेट। अरे इस मॉनेटरी आइटम का इनिशियल रिकॉग्निशन किस रेट पर हुआ था? स्पॉट रेट पर। इस मॉनेटरी आइटम का इनिशियल रिकॉग्निशन किस पर हुआ था? स्पॉट रेट पर। और इसका वैल्यूएशन सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन किस पर कर रहे हो? क्लोजिंग। तो आपको नहीं लग रहा डिफरेंस आएगा? वो डिफरेंस एक्सचेंज डिफरेंस कहलाएगा, क्योंकि आप दोनों का बताओ अलग अलग रेट पर मेजरमेंट कर रहे हो। आप इनिशियली आप किसी और रेट पर रिकॉर्ड करके आए हो और सब्सिक्वेंटली आप किसी और रेट पर रिकॉग्नाइज कर रहे हो। क्या बात समझ में आई? तो देखो वो क्या लिखा हुआ है सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में, ऑल मॉनेटरी आइटम शुड बी रिकॉग्नाइज एट क्लोजिंग रेट, समझ में आ गया। और ये किसको जन्म देगा? एक्सचेंज डिफरेंस को। तो लास्ट में एक नोट लगवाया हुआ है, इस एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से क्या आएगा? डेबिट या क्रेडिट, इनकम या एक्सपेंस जन्म लेगा। चलो मैं आगे। हो सकता है अगर मैं, सर ये तो मॉनेटरी आइटम की बात हो गई, ये कौन सा आइटम है? नॉन मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, ये बताओ नॉन मॉनेटरी आइटम। हालांकि मुझे इसको मेजर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बताओ यहां किस पर मेजर होगा? देखना क्या लिखवा है, विच आर कैरिड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो बताओ वो किस पर वैल्यू होगा? डेट ऑफ ट्रांजैक्शन रेट यानी स्पॉट रेट। तो ये नॉन मशीन नॉन मॉनेटरी आइटम है, तो नॉन मॉनेटरी आइटम बताओ इनिशियली भी किस पर रिकॉग्नाइज हुआ था? स्पॉट रेट पर। और लास्ट में भी किस पर रिकॉग्नाइज हो रहा है? स्पॉट रेट पर, यानी दोनों में डिफरेंस आएगा ही नहीं। चलो मैं आगे, नीचे एक पॉइंट और लिखा हुआ है, बताओ क्या? अगर मैं नॉन मॉनेटरी आइटम को किस पर वैल्यू करता हूं? फेयर वैल्यू यानी उस दिन की वैल्यू पर रिकॉग्नाइज करता हूं, तो फिर मुझे उसे क्लोजिंग रेट पर वैल्यू करना पड़ेगा। बोलो आ गया? लेकिन बताओ इन जनरल नॉन मॉनेटरी आइटम किस पर वैल्यू होगा? बेटा हिस्टोरिकल कॉस्ट पर, जो वैल्यू थी उसी पर। हाँ लेकिन डेप्रिसिएशन वेप्रिसिएशन माइनस होगा, उसकी बात नहीं कर रहे बेटा, जितने में, क्योंकि हम हमेशा बताओ चीज़ों को उन्हीं प्राइस पर, हम दूसरे प्राइस पर रिकॉर्ड, मैंने आपको कहा था मैं फेयर वैल्यूएशन करूंगा ही नहीं। इन्वेंट्री के केस में भी मैंने कहा था, बताओ इन्वेंट्री हमेशा किस पर रिकॉर्ड होती है? कॉस्ट पर। एक्सेप्शनली किस पर रिकॉर्ड होती है? एनआरवी पर। आ गया समझ में? तो इन जनरल वो उसी पर रिकॉर्ड होता है। चलो आगे, तो सेकंड वाले पॉइंट पर ना तो इन्होंने पूछा ना इन्होंने कभी लोड दिया, तो हटा दो। तो मॉनेटरी आइटम बताओ किस पर वैल्यू होगा? स्पॉट रेट पर। नॉन मॉनेटरी आइटम क्लोजिंग रेट पर। तो ये दो नॉन मॉनेटरी आइटम दोनों टाइम स्पॉट रेट पर कैलकुलेट किया जाएगा, दैट्स वाई क्या क्रिएट नहीं करेगा? डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। और मॉनेटरी आइटम स्पॉट रेट और क्लोजिंग रेट डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो आपको मॉनेटरी आइटम बेस सारे बातें समझनी है बस। क्या बात समझ में आ गई ये वाली? बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से बोलो, ये वाला पॉइंट समझ में आया? जो मैंने लिखवाया था मैंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया, और खाली आपके काम की बात वो मॉनेटरी वाली थी जिसको मैं स्ट्रेच किए जा रहा हूँ बार बार, ठीक है। अब देखो एग्ज़ाम के क्वेश्चन आप एक बार देख लो ताकि आपको आइडिया लगे बेटा एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है।
ये बेटा एग्जाम के क्वेश्चन, ये रहा देखो एग्जाम्पल नंबर, पेज नंबर अगर आपके पास बुक्स हैं तो पेज नंबर है आपका 3.105, 3.105। जल्दी से देखो, क्लासीफाई द फॉलोइंग मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी आइटम, पांच आइटम आ जाएंगे आपको क्लासीफाई करना होगा। जल्दी से बोलो, इन्वेंट्री बोलो, नॉन फिक्स, फिक्स एंड डिटरमिनेबल नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल, मॉनेटरी, इन्वेस्टमेंट नॉन मॉनेटरी, प्रॉपर्टी नॉन मॉनेटरी। समझ में आ गया? एक आधा आइटम और होगा तो आप लोग बस खत्म। एक चीज ध्यान रखना, ये तो इन्होंने आंसर पूरा नहीं दिया है। आप जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, पांच आइटम आएंगे मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी, तो आपको एक दिमाग में काम बात और रखनी है। बताओ क्या लास्ट में क्या लगाओगे आप? एक नोट लगाओगे, नोट बताओ किसका? डेफिनेशन ऑफ मॉनेटरी आइटम, मॉनेटरी आइटम, हाँ बेटा, मॉनेटरी आइटम मींस, मॉनेटरी आइटम मींस। बोलो, समझ में आया क्या? कैसी तबीयत है? बढ़िया। क्या कैसे हो गया? बेटा ऑनलाइन ही देख लेते तो ज्यादा तकलीफ थी। तो चलो बेटा, एक चीज दिमाग में रखिएगा आप लोग, मुझे बताओ यहां पर इसमें जब भी अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो क्या लगा के आओगे? एक नीचे नोट लगा लो, कहीं भूल जाओ फिर बाद में, क्योंकि एग्जाम में लगा हुआ आया था ये, फिर आप मार्क्स कट जाएंगे आपके। तो यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, एक नीचे नोट लगाओगे, नोट नंबर वन, मॉनेटरी आइटम मींस, वो आप डेफिनेशन लिख देना, वो मैंने अभी लिखवा दिया आपको। नंबर टू, नॉन मॉनेटरी आइटम मींस, ये आपको दोनों की डेफिनेशन या तो टॉप पर लिख देना या इसके बॉटम पर लिख देना। समझ में आ गया? तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें, तो फिर आप कहीं इसको ड्रॉप कराओ। ये नहीं लगाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब जब इसने ये पूछा है, क्योंकि इनको भी पता है, बताओ बच्चा क्या नहीं लिख कर आएगा कभी भी, वो लिख कर ही नहीं आता। वो बोल रहा है क्लासीफाई, सारे बच्चे समझ लो, वो बोल रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग आइटम्स मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी, और बच्चा क्लासीफाई करके आ जाता है बस। और ये लोग फिर होशियारी दिखाते हैं, नीचे नोट लगा देते हैं, और उस नोट में ये थ्री फोर्थ मार्क्स रख देते हैं। तो बेटा कितने चले गए? पांच में से डेढ़ नंबर तो चला गया। और आप लोग आगे घर पर कितना काउंट कर रहे हो? पांच, जबकि वो तीन, 3.5 नंबर दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? सब कुछ सही होने के बावजूद भी, तो मैंने बता दिया, अब आपकी चॉइस है। नेक्स्ट, अब बेटा एक क्वेश्चन ये देखो, ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर थ्री। के लिमिटेड बोरोड 4,500, सॉरी 4,50,000 ऑन 1 जनवरी 2011। तो देखो ये डॉलर्स में इसने फंड्स बोरो किए हैं, विच विल बी रीपेड एज ऑन 31 जुलाई 2011। क्या कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? जल्दी बोलो बेटा, इसका SRB होगा और सेटलमेंट भी होगा, यानी दो जगह पर एक्सचेंज डिफरेंस दिख रहे हैं। के लिमिटेड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, मैं हमेशा कैलेंडर ईयर ही मानकर चलता। रेट ऑफ द एक्सचेंज बिटवीन द रिपोर्टिंग करेंसी एंड फॉरेन करेंसी ऑन डिफरेंट डेट्स, बताओ कितनी डेट की इसने एक्सचेंज डिफरेंस दे रहे, वो रिपोर्टिंग करेंसी की वैल्यूज दे रखी होगी। तीन डेट्स की, एक इनिशियल रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन और सेटलमेंट डेट। चलो ठीक है, तो बेटा ये आपका आ गया 1 जनवरी, ये IR का रेट है, 31 मार्च ये SR का रेट है, और 31 जुलाई ये सेटलमेंट का रेट है। बोलो समझ में आ गया? ये तीन रेट्स दे रखे हैं। अब इन्होंने पूरा नहीं, क्वेश्चन अधूरा है ये, तो यहाँ पर लिख देंगे हम पास जर्नल एंट्रीज, पास जर्नल एंट्रीज, इसमें हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, इसमें एक लाइन मिसिंग है, पास जर्नल एंट्रीज। तो चलो अब बुक आपके सामने है बेटा, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही समझा देता हूँ। सारे बच्चे देखो अब सामने, अगर हमें इसमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है तो मुझे बताओ फाइनेंशियल ईयर 2000 लिखना नहीं है, अगर आप लिखना चाहो तो घर के लिए होमवर्क हो जाएगा ये। फाइनेंशियल ईयर 2010 एंड 11,
बताओ सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आईआर, ठीक है ना, इनिशियल रिकॉग्निशन। तो बताओ इनिशियल रिकॉग्निशन कितने का हुआ, तो यहाँ पर 1 जनवरी 2011, बताओ यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, जल्दी से बोलो बेटा। लोन लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, लोन अकाउंट, और कितना डॉलर, $4,000 इंटू 48, ये आपका हमने लोन ले लिया कितना, 2 करोड़ 16 लैक्स, 2 करोड़ 16 लैक्स। किसी को देख लिखने की ज़रूरत नहीं, देख लो वो सामने, समझ में आ गया, ख़त्म हो गया, ये इनिशियल रिकॉग्निशन हो गया, इसका आईआर हो गया। आईआर के बाद बताओ क्या हुआ, सेटलमेंट तो हुआ नहीं, बैलेंस शीट डेट आ गई 31 मार्च 2011, मुझे क्या करना पड़ेगा, एस आर किसका करना पड़ेगा, लोन का, दोनों ही मॉनेटरी आइटम है, बैंक भी मॉनेटरी आइटम है और लोन भी मॉनेटरी आइटम है, लेकिन बताओ मुझे लोन को रीपे करना है, अरे बैंक तो यूटिलाइज करना है, ये 50 लाख जो अभी आपके पास वट एवर अमाउंट है ये तो आप क्या कर चुके, अरे यूज़ कर चुके हैं ना, सेटलमेंट तो इसका करना है, तो इसमें तो दिमाग ही लगाने की ज़रूरत नहीं है, आ जाओ लोन का हम लोग सेटलमेंट करने वाले हैं, तो बैलेंस शीट डेट पर इस फिगर को आपको फाइंड आउट करना होगा, करेक्ट करना होगा। तो बताओ मैं आईआर कितने का कर चुका, ये एसआर कितने पर होगा, 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 49, तो बताओ 49 माइनस 48, आ गया समझ में, तो ये जब मैंने एसआर किया तो आप बताओ 49 पर एसआर, मैं पूरा नहीं लिख रहा, दो बार लिखना पड़ता, तो बताओ इसका जैसे ही मैंने एसआर किया तो मैंने इसे किससे कंपेयर किया, आईआर से, इनिशियली रिकॉग्नाइज जो किया था, तो बताओ ये डायरेक्टली बताओ क्या निकल कर आ गया, एक्सचेंज डिफरेंस कितने का, 1 रुपये का एक्सचेंज डिफरेंस, समझ में आ रही है बात। तो बेटा मुझे इसे करेक्ट करना पड़ेगा, आपको ये कैलकुलेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं, मुझे इसे करेक्ट करना पड़ेगा, तो लोन को मुझे इंक्रीज करना होगा, ये $45 मल्टीप्लाई बाय 49 माइनस 48, मुझे ये करेक्ट करना होगा, और ये आ गया 4,50,000 रुपीज़, और ये कहलाएगा एक्सचेंज डिफरेंस, अकाउंट डेबिट 4,50,000, एक ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन का डिफरेंस आ गया, और ये कहाँ चला जाएगा, P&L अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज डिफरेंस, अमाउंट रुपीज 4,50,000। और बताओ मेरी बैलेंस शीट में लायबिलिटी कितने से रिपोर्ट हो जाएगी, बेटा 2,20,50,000, 2,20,50,000 से मेरी लायबिलिटी रिकॉर्ड हो जाएगी, बात समझ में आ गया, क्योंकि मेरी लायबिलिटी 2,16,00,000 से रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, मैंने मेरी लायबिलिटी को इंक्रीज किया तो दैट्स वाई लॉस हो गया, और लॉस को बताओ मैंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, P&L में। चलो आगे, 2011 and 12, बताओ क्यों कौन सी डेट आ गई, 31 जुलाई 11, अब बताओ क्या करना है मुझे, लोन अकाउंट डेबिट 2,20,50,000 ये मुझे सेटल करने हैं टू बैंक, तो ये आपके 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 49.50, तो ये हो जाएगा 2,22,75,000, 75,000। तो बताओ क्या हो गया मुझे, अच्छा फिर वापस लॉस हो गया, तो यहाँ पर टू बैंक 45 लाख मल्टीप्लाई बाय 49.50, 2,22,75,000, तो बेटा यहाँ 2,25,000 एक्सचेंज डिफरेंस, अकाउंट डेबिट 2,25,000, और 31 मार्च 2012, बताओ ये कहाँ चला जाएगा, P&L अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज डिफरेंस 225। देखो अगर आप बुक का आंसर देख रहे हो तो सारी बात समझ में आ रही होगी, लेकिन बुक में एंट्रीज प्रॉपर नहीं है, बुक में एंट्रीज इसने कम कर रखी है, ध्यान रखना आपको प्रॉपर एंट्रीज करनी है, बुक में आधी अधूरी एंट्रियों से काम चला रखा है, इसने किसकी एंट्री इग्नोर की हुई है, इसने P&L अकाउंट की एंट्रीज इग्नोर की हुई हैं जो कि इसमें पास होंगी।
सबको बात समझ में आ गई? मुझे नहीं लगता लिखने की जरूरत है, अगर आप चाहो तो P&L की एंट्री साइड में लिख लो बस, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। चलूँ मैं आगे, एग्जाम का क्वेश्चन है, कराओगे? अब तो दो क्वेश्चन दिखा दिए, एक आइडेंटिफिकेशन, दूसरा जर्नलाइजेशन, तीसरा अब तीसरा क्वेश्चन देखो आप लोग, ये बेटा फ्रीक्वेंटली आस्क, ये ज्यादा क्वेश्चन आता है ये वाला। गुड्स परचेज ऑन 1st January 2011, एग्जाम्पल नंबर टू, गुड्स परचेज ऑन 1st January 2011 फॉर $15,000, एक्सचेंज रेट ऑन 31st March 2011, डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट, फिर वही तीन चीज आ गई, IR SR सेटलमेंट, यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द लॉस ऑन गेन टू बी रिकॉग्नाइज फॉर फाइनेंशियल ईयर ईयर एंडेड 31st March 2011 31st March 2012 एज पर। तो आपको ये बोला गेन और लॉस बताओ किस साल के लिए, 11 के लिए और 12 के लिए। तो चलो पहले किसके लिए बता देते हैं, 2010 एंड 11, फिर बता देते हैं 2011 एंड 12। तो ये बोल क्या रहा है, गुड्स परचेज, तो बताओ एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 1st January 2011 $15,000 मल्टीप्लाई बाय 75 IR, बताना 11,25,000 11,25,000, क्योंकि करंट फाइनेंशियल ईयर में सेटलमेंट नहीं हुआ, तो बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका 31st March 2011 को इसका SR करना पड़ेगा। तो बताओ रेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, यानी लायबिलिटी कम हो गई। अब लायबिलिटी कम हो गई तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज डिफरेंस 15,000 मल्टीप्लाई बाय, तो ये हो गया आपका 15,000। बेटा बोलो मत वरना फिर अभी आ जाएंगे वो, ठीक है। नेक्स्ट अगली एंट्री, 31st March 2011 एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू P&L 15,000, ये हो गया खत्म। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में बताओ मुझे क्या करना है, आप सेटलमेंट 7th July 2011, जल्दी से बोलो, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कितने से, 11,10,000, 11,10,000 पर रिकॉर्डेड है, टू बैंक बताओ 15,000 मल्टीप्लाई बाय $73 10,95,000, फिर क्या हो गया, एक्सचेंज डिफरेंस 15,000, और ये 31st March 2000 एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू P&L 15,000। क्या सबको बात समझ में आ गई, इसका आंसर पढ़ो फटाफट और सामने देखते रहना, आंसर पढ़ो इसका आंसर, आराम से टेक योर टाइम, आंसर रीड करो और ये सामने देखते रहना। सारे बच्चे रीड करो एक एक लाइन आराम से, बेटा सब पढ़ लेना बाद। मैंने कहा ना ये फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन यही है जो अब तक डिस्कशन किया है उसमें। चलूं आगे, क्या फर्क नजर आया, तो आप लोग क्या थ्योरी लिख कर आओगे या कहाँ, ये एंट्रीज 0 नंबर मिलेगा। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी,
इतनी मेहनत मैंने इसीलिए की थी, इसीलिए मैं बोल रहा था, समझ रहे हो। ये बताओ बेटा, ये बताओ इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? पास जर्नल एंट्रीज। एग्जाम्पल नंबर 3 में वो एक लाइन मिसिंग थी तो मैंने लिखवा दिया था। बेटा कंपैरिजन कर लेना, ये यहां पर पता है क्या लिखा हुआ है, ये रहा, यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द लॉस और गेन टू बी ईयर एंडेड, इतना इतना आ रहा समझ में। वो ये बोल रहा है प्रॉफिट या लॉस जो साल के एंड में रिकॉग्नाइज किया जाएगा, प्लीज वो मेंशन करो। यहाँ पर एंट्रीज नहीं मांगी है, तो इसका आंसर, हालांकि मैंने अभी आपको एंट्रीज दिखाई थी, इसका आंसर लगभग लगभग वही था जो मैंने लिखा था, लेकिन वैसे लिख कर आने पर हो सकता है आपको केवल और केवल आपके एफर्ट का कोई एक आध नंबर दे दिया जाए तो दे दिया जाए, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। लिख कर यही आना पड़ेगा बेटा, कट जाएगा वरना आपका पूरा पूरा आंसर काट दिया जाएगा और जीरो मार्क्स। फिर आप काउंटिंग कितने करते रहोगे? 5 मार्क्स। प्रॉब्लम वही आती है, आप लोग जब बाहर आके काउंटिंग करोगे तो उसमें उसे अकाउंट करोगे आप, और जब मार्क्स आएंगे तो फिर रीचेकिंग के लिए फॉर्म भरोगे, और बिलीव मी रीचेकिंग में वो हाफ मार्क्स का भी स्कोप नहीं रखते। अगर किसी ने करवाई भी हो या आपके किसी सीनियर ने करवाई हो तो कभी पूछ लेना, बहुत कम गुंजाइश होती है रीचेकिंग में मार्क्स को इंक्रीज होने की। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, इतना कुछ समझाने के बावजूद भी आप अपनी मनमानी करते हो, इसलिए नंबर जाते हैं आप लोगों के। तो इसीलिए मैंने लिख कर दिखाया था कि वो जो जर्नल एंट्रीज हैं वो आप समझो, और अगर आपको दिक्कत आती है ये थ्योरेटिकल लिखने में तो बताओ क्या कर लीजिएगा बेटा, पहले एंट्री लिख देना। आपको इस तरह का क्वेश्चन, मैंने आपसे कहा ज़्यादातर यही पूछा जाता है, एंट्री बोला नहीं, आप पहले एंट्री लिख दो और एंट्री लिखने के बाद भाई उसको कन्वर्ट कर दो, थ्योरी में कन्वर्ट कर दो, तो आपके लिए वो कन्वीनियंट रहेगा। आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, दिक्कत आती है, तो पहले एंट्रीज लिख कर उसे कन्वर्ट कर दो थ्योरी में बस। लेकिन मार्क्स थ्योरी के ही मिलेंगे, आपके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन को काट दिया जाएगा, फिर मार्क्स जीरो कर दिया जाएगा, फिर आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। शायद मेरी बात समझ में आ गई, चलूँ मैं आगे। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है यहाँ तक की बात? तो फिर अब आगे की बात की जाए, तो मुझे लगता है सबको क्लियर हो रहा है किसकी बात चल रही है। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस अब लिखो इसमें, आगे लिखो बेटा कंसिडरेशन, कंसिडरेशन कंसिडरेशन ऑप्शनल, अरे लिख लिखो फिर मैं हटा दूंगा। क्या आपको क्या लग रहा है? 16 लिख लो, 16 बेटा आंखें सबकी सही, दिमाग खराब हुए पड़े हैं, ठीक है ना? मेरे कुछ दिन लग क्या गई, तुम लोग तो मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हैं। क्या डोर से तो बेटा निकला जाता है, खिड़की से कूदा जाता है, दोनों का फील अलग आता है। इन केस ऑफ, अरे मैं भूल जाता हूँ, मुझे बातों में मत उलझाओ, ठीक है ना? नेक्स्ट बेटा, पूरी रात रट के आता हूँ, पता है आज 2 घंटे की रट के आया था, 3 घंटे की कर दी इन्होंने। अब लिख ले।
हाँ तुम्हें ब्रेक, अब क्या खाएगा बता? खाना तो खाया है। चलो पैरा 46 ऑप्शनल अवेलेबल फॉर कंपनीज इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बेस्ड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज फॉलोज। As follows, if long term loan is used for acquisition of fixed assets in such case exchange difference if any adjusted in the value of fixed assets B if used for any other purpose बेटा बातचीत नहीं लिख लो जल्दी से। इफ यूज फॉर एनी अदर पर्पज इन सच केस एक्सचेंज डिफरेंस शुड बी ट्रांसफर टू फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट एफ सी एम आई टी डी अकाउंट। पीछे आई होप दिखाई दे रहा होगा पीछे। लिख लिया सबने? If used for any other purpose, in such case, exchange difference should be transferred to foreign currency monetary item translation difference account FCMITD account. Translation difference account. सबने लिख लिया? आप हटा दूं? बताओ हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं? फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, अभी भी ट्रांजेक्शन ही चल रहा है।
बेटा एक प्रॉब्लम क्या हुई थी, शायद सबने नोट कर लिया होगा। देखो 2007 एंड 8 से पहले का सिनेरियो और उसके बाद के सिनेरियो में क्या आ गया, थोड़ा सा चेंज आया था। चेंज क्या आया था? आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 बताओ क्या बोलता है, अगर एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है कहाँ ले जाओ, पी एंड एल में ले जाओ। बोला हमें मतलब नहीं है, अगर आपने कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन किया है और उसकी वजह से कोई एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है तो आप ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। उसने तो क्लियर कट एक स्टेटमेंट दे रखा था, बात ही खत्म हो गई। तो 2006-07 से पहले कोई इशू नहीं था, ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर ट्रांजेक्शन आ भी रहे हैं, ट्रांजेक्शन हो भी रहे हैं तो इक्का दुक्का ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उनकी वजह से डिफरेंस आ रहे हैं। तो बेटा कभी क्या डिफरेंस, अच्छा बहुत मेजर चेंज नहीं आता था। बताओ डॉलर 10 पैसे 5 पैसे ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता था, 15 पैसे, थोड़ा सा चीज़ें स्टेबलाइज थी। बहुत ज़्यादा चेंजेस एक्सचेंज डिफरेंस के नाम पर नहीं आया करते थे। रीज़न, सारी चीज़ें बैलेंस थी, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब बताओ सारी चीज़ें गड़बड़ा रही हैं किसकी वजह से, केवल एक ही इशू है बेटा, यहाँ इंडिया में रिसोर्सेज की कमी नहीं है लेकिन पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है जिसको कंट्रोल करने के बारे में गवर्नमेंट कोई प्लानिंग कर ही नहीं रही। और उसके कई रीज़न भी हैं, यहाँ पर हर चीज़ को ये लोग चीज़ों में, काफ़ी चीज़ों में बदल डालते हैं। लेकिन अगर नहीं रोका गया तो आगे सारी समस्याओं की एक ही जड़ है, पॉपुलेशन बस। अब उसको कैसे कंट्रोल करें वो गवर्नमेंट का इशू है। 2006 एंड 7 से पहले की सिचुएशन अलग थी, कई और भी 50 रीज़न थे, कोई अकेला नहीं था। तो वहाँ उस समय अमेरिका में कुछ बैंकिंग इश्यूज हुए थे, बैंक्स फ्रॉड हुए थे, आप लोगों ने शायद पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो मुझे नहीं पता। तो जिसकी वजह से अमेरिका ने पता कि अपने बैंकों को बचाने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को उठाना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से कुछ नेशनल ग्लोबल इश्यूज आ गए थे, क्योंकि अमेरिका सारे पैसे निकाल रहा था जहाँ भी उसने इन्वेस्ट किए थे अपनी इकोनॉमी को सेव करने के लिए। तो ऐसा कुछ हुआ था 6-7 में, बहुत बड़ा घटनाक्रम घटा था जिसकी वजह से इंडिया में भी बताओ क्या हुआ था, उसका इम्पैक्ट आया था। और इंडियन रुपीज़ बताओ क्या होने, उसके बाद इंडियन रुपी ने जो कंट्रोल था डॉलर पर वो छोड़ दिया, छूट गया कई रीज़न से, और वो कंट्रोल इस्टेब्लिश नहीं हुआ। फिर एक्सचेंज डिफरेंस जो पैसे में ऊपर नीचे हुआ करते थे बेटा, फिर वो रुपीज़ में होने लगे। और मान लो $1 इक्वल्स टू अगर 30 रुपी था तो सडनली वो 35 हो गया, मनी अपनी वैल्यू खोने लग गया, तो वो 35 हो गया, वो सडनली 40 हो गया, समझ में आ गया, एक बड़ी बड़ी जंप लगाने लग गया पैसा। उसकी वजह से आपको नहीं लगता बहुत बड़े इशू क्रिएट हो गए? अगर बेटा हम बात कर रहे हैं $1,000 $2,000, ऐसा नहीं बेटा, जब हमें पैसा लगाना होता है तो बताओ वो फिर करोड़ों में चला जाता है। आपने एक फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन किया, मान लो $15,00,000 का एक फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन करके बैठे हो बेटा, 5 पैसे 10 पैसे 2 पैसे 10 7 पैसे डिफरेंस आ रहा है, कभी पॉजिटिव आ रहा है, कभी क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, कभी डेबिट बैलेंस है, मैनेजेबल है, मैनेज कर लेती थी एंटिटी। बताओ आपने $15,00,000 का कोई प्लांट खरीदा तो आपने एंट्री क्या करी, मशीन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर $15,00,000 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, बैलेंस शीट डेट पर आपने एसआर किया और बताओ डिफरेंस कितने का आ गया, $5 का, बताओ सीधे कितने हो गए, अरे $75,00,000 का नुकसान हो गया या नहीं हो गया। और बताओ क्या हो गया, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है या लो जा रहा है? बेटा स्ट्रांग हो रहा है डॉलर, मनी वीक पड़ रहा है, समझ में आ रहा है? और बताओ हम मोस्टली सेल करते थे या मोस्टली बताओ वहाँ की टेक्नोलॉजी को हम परचेस करते थे? इशू ये था सबसे बड़ा, हम वहाँ सेल नहीं करते थे। सेल तो मान लो कोई इक्का दुक्का कर रहा हो तो कर रहा हो, मोस्टली मैंने कहा ना हम टेक्नोलॉजी में काफ़ी पीछे हैं, तो हम टेक्नोलॉजी परचेज करते थे और वो हैवी कॉस्ट आती थी उस टेक्नोलॉजी परचेज की। ठीक है मैंने मेरी लाइफ में एक ट्रांजेक्शन करना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने टेक्नोलॉजी परचेज कर ली। अब टेक्नोलॉजी परचेज कर ली, $15,00,000 $20,00,000 $25,00,000, बेटा ₹5 का डिफरेंस आ गया तो आपको नहीं लगता रातों रात 1 करोड़ की गणित घूम गई? और बताओ मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, क्योंकि मैंने कहा ना मैं मोस्टली परचेज करता था, मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। अब मान लो किसी ने $20,00,000 का क्या कर रखा है, कुछ खरीद रखा है और एक्सचेंज डिफरेंस कितने का आ गया, $5 per dollar, क्योंकि मैंने कहा ना 6-7 के बाद गड़बड़ हुई थी खतरनाक वाली, एकदम मनी वीक पड़ गया था। तो अब बताओ कितने का डिफरेंस आ गया, 1 करोड़ का डिफरेंस आ गया, 10 पैसे 15 पैसे 1 रुपये, मैनेजेबल था। अब बताओ एंटिटी ने लायबिलिटी को रीस्टेट किया, बैलेंस शीट में अपडेट कर दिया, और यहाँ पर बताओ कितने रुपए का एक्सचेंज डिफरेंस दिखा दिया पी एंड एल में,
बोलो, 1 करोड़ का एक्सचेंज डिफरेंस दिखा दिया और उससे 1 करोड़ के कंपनी के अकाउंटिंग प्रॉफिट्स कम आ गए, क्योंकि आपके एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 की रिकमेंडेशन क्या थी, एक्सचेंज डिफरेंस शुड बी ट्रीटेड जस्ट लाइक इनकम और एक्सपेंस एंड शुड बी डेबिटेड और क्रेडिटेड टू पी एंड एल। बोला इनकम और एक्सपेंस मानोगे आप एक्सचेंज डिफरेंस को, और कुछ बोला ही नहीं उसने, कमेंट ही नहीं किया, वो बोला पी एंड एल में चार्ज कर दो। अब बताओ कौन चिल्लाने लगे, बिजनेसमैन चिल्लाने लगे, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स आपको अकाउंटिंग डेटा इशू करना पड़ता है, पब्लिश करना पड़ता है, लोग बाग जो भी ओपिनियन लेते हैं वो अकाउंटिंग डेटा को देख कर लेते हैं, 1 करोड़ से सीधा का सीधा प्रॉफिट कम हो गया। तो बताओ कंपनीज को इशू आने लगे और कंपनीज को लगा यार ये तो गड़बड़ हो गई। अब तक हमने ऑब्जेक्शन नहीं किया, उसका रीज़न क्या था, बहुत माइनर चेंजेस आ रहे थे तो वो मैनेजेबल थे, बियरेबल थे, और दूसरी बात कभी प्लस भी हो रहा था कभी माइनस भी हो रहा था, लेकिन अब तो ये डॉलर स्ट्रांग हुए जा रहा है। तो वो गए किसके पास, ICICI के पास, ICICI में सारे आराम से सो रहे थे, उन्होंने बेल बजाई, उन्होंने गेट खोला, बोला हाँ साहब, बोला आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पैरा नंबर 13 का जो प्रोविज़न है जो P&L में चार्ज करने के बारे में बोलता है वो तो हमें परेशान कर रहा है। तो बोला ठीक है आप हमें परेशान मत करो, आप जाओ यहाँ से। वो बोला साहब हमें दिक्कत आ रही है। तो बोला ठीक है आप बाद में आना हम देखते हैं। उन्होंने कुछ भी सुनवाई नहीं की। तो बताओ वो फिर कहाँ गए, MCA के पास, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। बोला साहब वो तो हमारी सुन ही नहीं रहे, आपको हमारी सुननी पड़ेगी। बताओ मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स सुनेगा या नहीं सुनेगा, बेटा 101 बार सुनना पड़ेगा। आपकी इकोनॉमी ये कुछ गिनती के लोग चला रहे होते हैं, सारे टैक्स चोर यहाँ बैठे हैं, गिनती के लोग टैक्स दे रहे होते हैं, समझ में आ गया, जिनके ब्याह पर ये सड़कें ये वो बन रहे होते हैं, और फिर जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो इन रिलायंस के टावर ही उखाड़ के आ जाते हैं लोग, ठीक है ना। अब ये बताओ ये लोग गए MC के पास, MC ने इनकी सुनवाई की, तो MC ने को लगा हाँ बात तो जेन्युइन है, सही बात है कि सब एक साथ इतना वर्डन आ गया, और अच्छा ये ग्लोबल प्रॉब्लम है तो हम भी सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम इनको कुछ ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड करें जिससे ये लोग सेटिस्फाइड रहें। तो उन्होंने फिर एक ऑप्शन निकाला, एक तरीका निकाला, और उस तरीके को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वो तरीका क्या था वो यहाँ पर लिखा है हमने, वो तरीका क्या था बेटा, वो तरीका ये था कि एक हाँ बेटा, तो उन्होंने ये किसने प्रोवाइड किया जल्दी बताओ, पैरा नंबर 46 बताओ क्या था, ये ऑप्शनल था। ऑप्शनल का मतलब अगर कंपनी चाहे तो इसे ऑप्ट करे, अदरवाइज कंपनी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिकमेंड कर रहा है आप उस हिसाब से काम करते रहो। दूसरी बात, अवेलेबल फॉर कंपनीज, बेटा ये जो ऑप्शन दिया गया केवल कंपनीज को दिया गया, यानी सोलो प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप को कोई लेना देना नहीं है, तुम चाहे बर्बाद हो जाओ P&L में चार्ज करते रहो। बोला आ गया समझ में, क्योंकि वो लोग इतने बड़े ट्रांजेक्शन्स करते ही नहीं थे, इतने हैवी अमाउंट के कि उनके कुछ गड़बड़ हो और उनको फिर जाके लिस्ट करना पड़े, समझ में आ गया, वो इतने कुछ करते ही नहीं थे ड्रामे, कंपनियां करती थी बड़े ट्रांजेक्शन्स। तो कंपनियों को ये चॉइस दी गई इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म लोन ओनली। अगर कंपनी ने एक शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन किया तो कंपनी के पास भी ये चॉइस नहीं है लॉन्ग टर्म, क्योंकि आज एक ट्रांजेक्शन कर दिया और आपने कहा साहब 3 साल में रिपेमेंट करेंगे, तो आप बताओ एक ही ट्रांजेक्शन करके बैठे हो लेकिन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका 3 साल तक इम्पैक्ट आता रहेगा, इरिवोकेबल। एक बार चुन लिया तो फिर यही, कहीं आप एक बार ऑप्ट करने के बाद अगले साल बोलो नहीं नहीं साहब अब तो हम P&L में मैनेज कर लेते हैं, नहीं करने देंगे, नेक्स्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो शायद समझ में आया होगा आपको बात किसकी चल रही है, बोलो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ, सुनो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डैश डैश डैश, बताओ किसकी बात कर रहा हूँ मैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस। अभी भी मैं बात किसकी कर रहा हूँ, अभी अभी तो बताया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस एज पर पैरा 46। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 क्या था, P&L में ट्रांसफर कर दो। तो कुछ दिक्कत आई तो वही तो मैंने कहानी सुनाई थी, उसकी वजह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस बदला गया और वो फिर पैरा 46 में एक प्रोविजन बना के डाल दिया गया, जिसे पैरा 46 या 46A भी बोलते हैं,
तो उसमें ट्रांसफर कर दिया गया, डाल दिया गया, और कंपनी को कहा गया भैया अगर तुम लेना चाहो तो तुम्हें एक ऑप्शन और दिया जा रहा है, केवल कंपनी के लिए अवेलेबल है, और केवल किस केस में, लॉन्ग टर्म लोन के केस में, एक बार आ गए तो हम वापस नहीं जाने देंगे, ध्यान रख लेना। दूसरा, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने कहा एज फॉलोज, किसका, एक्सचेंज डिफरेंस का। अच्छा, ये ट्रीटमेंट किस लिए है, किस किस केस में है, लॉन्ग टर्म लोन के केस में। अब आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया बेटा, अब आपने यूज कहां किया लॉन्ग टर्म लोन, एक आपने वो लॉन्ग टर्म लोन लिया किसके लिए, फॉर एक्वायरिंग फिक्स एसेट्स। तो जो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, जो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा वो कहां एडजस्ट कर दिया जाएगा, फिक्स असेट्स में एडजस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना, फिक्स असेट्स में एडजस्ट। मान लो ईयर एंड में आपने एक लोन लिया, किसके लिए, असेट खरीदने के लिए लोन लिया, तो बताओ एंट्री क्या बनी, असेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर $20,00,000 मल्टीप्लाई बाय जो भी रेट रहा, तो इनिशियल रिकॉग्निशन कर दिया, आपने एंट्री क्या की, असेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर डॉलर मल्टीप्लाई बाय रेट, इनिशियल रिकॉग्निशन हो गया, बैलेंस शीट डेट आई, कौन सा लोन है ये कौन सा क्रेडिटर है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर नहीं है ये आपको 3 साल 4 साल में देना है, बैलेंस शीट डेट आई, बताओ क्या किया आपने, सबसीक्वेंट रिकॉग्निशन किया, $20,00,000 मल्टीप्लाई बाय 5 रुपये, 5 रुपये से मान लो डॉलर का रेट बढ़ गया, तो बताओ कितना हो गया, 1 करोड़ का एक्सचेंज डिफरेंस आ गया, तो बताओ 1 करोड़ का एक्सचेंज डिफरेंस का क्या करोगे, क्रेडिटर बढ़ाओगे या नहीं बढ़ाओगे, तो एंट्री क्या होगी, जो आपने क्रेडिटर रिकॉर्ड किया था, यहाँ पर एंट्री क्या की थी आपने, असेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर जो भी किया था अमाउंट, यहाँ बताओ क्या करोगे, टू क्रेडिटर, कितने रुपए से, 1 करोड़ रुपए से डेबिट क्या करूँगा, एक्सचेंज डिफरेंस नहीं करूँगा, असेट डेबिट कर दो 1 करोड़ रुपए से। बोलो आ गया समझ में, हर बार चाहे वो सेटलमेंट पर आए या किसी भी चीज़ पर आए, जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आए, बताओ क्या करते जाओ, असेट में ऐड करते जाओ, इससे होगा क्या, बोलो बेटा, असेट की वैल्यू बढ़ गई, असेट की वैल्यू बढ़ गई तो अब बढ़ी हुई वैल्यू डेप्रिशिएट होगी, तो डेप्रिशिएशन बढ़ जाएगा, डेप्रिशिएशन बढ़ेगा तो उससे क्या फ़ायदा मिलेगा, डेप्रिशिएशन पी एंड एल में जाएगा, डेप्रिशिएशन के फॉर्म में क्या भी पी एंड एल में जाएगा, एक्सचेंज डिफरेंस भी पी एंड एल में जाएगा। तो मुझे तो लॉजिक समझ में नहीं आ रहा कि एक्सचेंज डिफरेंस जब जाना ही पी एंड एल में है, तो फिर बात समझ में आई बेटा, एक्सचेंज डिफरेंस अगर लॉस हो रहा है, फॉरेन करेंसी में लोन लेकर बैठे हो और आपका मनी वीक पड़ता जा रहा है, तो आपको लाइबिलिटी तो ज़्यादा पे करनी पड़ेगी ना, पहले $1 के आपको ₹10 देने पड़ रहे थे, अब आपको ₹100 $1 के देने पड़ रहे हैं, तो बताओ आपकी लाइबिलिटी तो बढ़ गई ना ₹90 से, तो नुकसान तो हो ही रहा है, तो जाना तो पी एंड एल में ही है, लेकिन इस ऑप्शन के थ्रू कि आप एक्सचेंज डिफरेंस को किस में अक्यूमुलेट कर दो, फिक्स असेट्स में अक्यूमुलेट करते जाओ, इकट्ठा करते जाओ, इकट्ठा करते जाओ। मान लो इस असेट की लाइफ 15 साल है, 10 साल है, तो वो जो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा आपका, वो 10 साल में स्प्लिट हो जाएगा। आ गया समझ में बेटा? तो बिजनेसमैन भी यही बोल रहे थे कि नुकसान हो रहा है हमें, और नुकसान हमें हो रहा है तो बट ऑब्वियस है, बताओ हमें क्या करना पड़ेगा, नुकसान को राइट ऑफ करना ही पड़ेगा। लेकिन आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है, इंस्टेंट राइट ऑफ करो पी एंड एल में। वो नहीं चाहते हम, क्योंकि इंस्टेंट राइट ऑफ करने में हमें दिक्कत आ रही है, हमारे प्रॉफिट गड़बड़ हो रहे हैं, तो हमें डेफर्ड करने की परमिशन दो। तो बेटा उनको डेफर करने की परमिशन इस तरह से प्रोवाइड की गई। बोलो बात समझ में आ गया? तो ये डेफरमेंट का एक तरीका है और कुछ भी नहीं है। नुकसान है तो 100% पी एंड एल में जाएगा, फर्क इतना सा है कि कुछ हिस्सा इस साल ट्रांसफर कर दो, कुछ हिस्सा आगे ऐसे धीरे धीरे डेफर कर दो, तो असेट की लाइफ में एक्सचेंज डिफरेंस ट्रांसफर हो जाएगा। शायद बात समझ में आई होगी। अब कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन आया कि साहब हमने तो लोन लिया, लेकिन जल्दी बोलो, लेकिन हमने तो असेट खरीदी नहीं, हमने तो जनरल पर्पज से लोन लिया था, अब बताओ हम क्या करें। तो उनको, क्योंकि आपने जब ऑप्शन दिया है तो आप ये थोड़ी कि कंपनियों में भेदभाव करोगे। कुछ कंपनी ने लोन लिया, लॉन्ग टर्म लोन लिया असेट खरीदने के लिए, और कुछ ने जनरल पर्पज से लोन ले लिया। तो उनको क्या कहा, ठीक है भाई तुम भी सुनो, अगर यूज एनी अदर पर्पज अदर देन फिक्स एसेट्स, आपने फिक्स एसेट्स के अलावा कहीं यूज किया है, तो हम आपको क्या बोलते हैं, इस केस में एक्सचेंज डिफरेंस फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस, कौन सा आइटम,
लोन कौन सा आइटम है? मॉनेटरी आइटम, उसको ट्रांसलेट किया यानी कन्वर्ट किया, उसकी वजह से क्या हो गया? डिफरेंस आ गया। तो एफ सी एम आई टी डी अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। बोलो समझ में आ गया? एंड शुड बी अमोर्टाइज, एंड ये अब अकाउंट अमोर्टाइज ड्यूरिंग लाइफ ऑफ लोन, जो भी लोन का ड्यूरेशन होगा, ड्यूरिंग द लोन ड्यूरेशन, ड्यूरिंग द लोन ड्यूरेशन। मान लो आपने क्या किया, लोन कितने समय का लिया, अब लाइफ ऑफ लोन की जगह ड्यूरेशन ऑफ लोन, ड्यूरिंग द लोन पीरियड। क्या कुछ बात समझ में आई? आपने बताओ एक लोन लिया और एंट्री क्या कर दी, अब की बार एंट्री क्या कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, और ये लोन बताओ किस पर्पज से लिया, वट एवर अमाउंट का, $1,00,000 है मान लो, ₹50, तो ये कितने हो गए, 50 लाख। 50 लाख का आपने लोन लिया, ईयर एंड में बताओ क्या किया आपने, इसका एस आर किया, ईयर एंड में एस आर किया, तो ये लोन कितने का हो गया, मान लो 5 लाख रुपए से 56 का हो गया ये डॉलर, तो यहाँ पर बताओ एक्सचेंज डिफरेंस आ गया, अकाउंट डेबिट टू लोन कितने से, 6 लाख का डिफरेंस आ गया। अब इसे मैंने इस पैसे को किस में नहीं लगाया, फिक्स असेट्स को परचेज करने में नहीं लगाया, पता नहीं किसी और पर्पज से लगा दिया लेकिन असेट नहीं खरीदी। अब बताओ इस एक्सचेंज डिफरेंस को कहाँ ट्रांसफर करूँ, एफ सी एम आई टी डी अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, जस्ट लाइक फिक्टीसियस असेट। समझ में आ गया? और इसको बताओ धीरे धीरे क्या करते रहो आप, इसको अमोनिटाइज करते रहो, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एफ सी एम आई टी डी अकाउंट, किस ड्यूरेशन में, ड्यूरिंग लोन ड्यूरेशन। लोन अगर 7 साल का है तो 7 साल में राइट ऑफ कर दो, इसमें ट्रांसफर करते जाओ 7 साल में राइट ऑफ कर दो। बोलो बात समझ में आ गया? कुल मिला के आपको क्या दे दिया, डेफरमेंट दे दिया बस। बेटा नुकसान है तो 400 पी एंड एल में ही होना है। डेफरमेंट के दो तरीके हैं और ये मैंने आपको कहा कि ये प्रोविज़न इसलिए बनाया गया था कि किस में इशू आ गया था, 2006-07 के बाद आपके एक इशू क्रिएट हुआ था जिसकी वजह से अकाउंट रुपीस और डॉलर में बहुत बड़ा गैप आ रहा था और उसकी वजह से कंपनीज़ को बताओ क्या हो रहा था, लॉस पर लॉस हुए जा रहा था। क्यों? क्योंकि कंपनीज बताओ क्या करती थी, एडवांस टेक्नोलॉजी परचेज किया करती थी और जिसकी हैवी कॉस्ट पे करती थी वो। समझ में आई कहानी? मुझे लगता है ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का फंडा समझ में आया। ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से बोलो ये फंडा समझ में आया क्या? इधर जल्दी से देखो एग्जाम्पल नंबर एट। पेज नंबर 3.112। बेटा ए लिमिटेड परचेज फिक्स असेट्स कॉस्टिंग ₹3,00,000 ऑन 1st January 2011 एंड द सेम वॉज फुली फाइनेंस बाय द फॉरेन करेंसी लोन पेबल इन 3 annual equal installments। इसका मतलब बताओ 3 equal annual installments यानी 1,000, 1,000, 1,000 की 3 installments। इसका मतलब लॉन्ग टर्म लोन। अरे 3 साल नालायकों, अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा कर आया हूँ,
3 साल, कौन सा लोन है? लॉन्ग टर्म लोन, समझ में आ गया। एक्सचेंज रेट लॉन्ग टर्म, देखो इसे बोलते हैं आंसर देना। नहीं पहले दिया था, बस जैसे तुम हो वैसे दूसरे को सोचते हो। थ्री एनुअल इंस्टॉलमेंट, इसका मतलब समझे? हाँ सर, 3 किस्तों में, समझे सर मतलब? कमाल है भाई। सही तो बोला सर। सर अब आप पागल हो तो हम क्या करें सर? सर सुबह 8 बजे से सुन रहे हैं सर। कभी कभी लगता है लोका मास्टर बोल रहा है। कभी कभी लगता है ये बैठा कौन है ये। सर बहुत अच्छी नींद आ रही है सर खाना खाने के बाद। सर वैसे ब्रेक का समय हो गया है सर। सर हम ब्रेक के लिए तड़प रहे हैं सर। सर सर हमें ब्रेक दे दो वरना हम कुछ कर बैठेंगे सर। वो एक पता 2 पैन को यूं कर रहा है। मैंने भी वीडियो देखा है, धार लगा रहा है वो, पैनों के ही धार लगा रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट, अब आ जाओ। खिड़की बनवानी पड़ेगी एक, वो खुली हुई खिड़की बेटा। जो ऐसे ऐसे आंसर देते हैं और फिर ये और पूछते हैं कि सही है क्या, उनके लिए, मेरे लिए नहीं। अब ये फंडा चेंज करूंगा मैं, वरना तुम लोग वास्तव में किसी दिन मैं गुस्से में हुआ घर से लड़के आया तो मैं खुद ही कूद जाऊंगा। घर से लड़के आया और तुम लोगों के ऐसे आंसर सुने तो और दिमाग खराब हो जाएगा, तो तुम कुदवाई दोगे। हाँ मोक्ष की प्राप्ति, मेरे साथ चलना, दोनों ही मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, चलना। चल और 2-4 ले ले जिसको मोक्ष चाहिए, साथ में सभी ले लेते हैं एक साथ। ए लिमिटेड परचेज फिक्स असेट्स कॉस्टिंग रुपीज 3,000 lakh ऑन 1st January 2011 एंड द सेम वॉज फुली फाइनेंस बाय द फॉरन करेंसी लोन पेबल इन 3 annual इक्वल इंस्टॉलमेंट, यानी लॉन्ग टर्म लोन है। और किसके लिए है? फिक्स असेट्स के लिए। एक्सचेंज रेट 40 and 42.5 ऑन 1st January and 31st December रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वॉज पेड ऑन 31st December, ईयर एंड में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की गई। बेटा कोई फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि ईयर एंड में मुझे क्या करना था? SR। तो कितना पे किया, कितना बच गया, उनका अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, एक साथ ही हो जाएगा। द एंटायर डिफरेंस इन फॉरेन एक्सचेंज हैज़ बीन कैपिटलाइज, ये बोला जो भी डिफरेंस आया वो हमने क्या कर दिया? कैपिटलाइज कर दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट हाउ दिस ट्रांजेक्शन वुड बी अकाउंटेड। तो ये बोल रहा है आपको कैसे इसको अकाउंटेंट करना है। पहली चीज बताओ, ये कैपिटलाइज किया इसने सही किया क्या? बेटा नहीं। पहला आपको क्या बताना है? AS 11 का ट्रीटमेंट। AS 11 तो ऐसा कुछ बोलता नहीं, तो आपको बताना है। बताओ यहाँ पर कितना था ये? 3,000। तो 3,000 डिवाइडेड बाय बोलो 40 कितना हो गया? 75 lakh dollars। बोलो आ गया समझ में? या इसने डॉलर्स नहीं दे रखा, तो आपने इतने डॉलर का परचेज किया तो ये आ गया आपका फॉरेन करेंसी लोन। बेटा लोन अमाउंट नहीं बताना, उसने डायरेक्ट बताओ क्या दे दिया? रुपीज़ दे दिया। तो मुझे एक चीज़ दिमाग में रखनी है, हालांकि मुझे रुपीज़ में एंट्री पास करनी थी। बताओ क्या? फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिट टू लोन, कितना? 3,000 lakhs, यही करना था। लेकिन मुझे डैश डैश डैश
डॉलर इंटू 40, ये भी तो पता होना चाहिए कितने डॉलर का था। तो मैंने क्या किया, 3000 डिवाइडेड बाय 40, तो ये 75 लाख डॉलर। ईयर एंड में आया, ईयर एंड में एक एनुअल इंस्टॉलमेंट देनी है, तो उसका 1000 का और बचे हुए 2000 का बताओ, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन एक एक सा ही होगा, तो मैं दोनों का अलग अलग नहीं कर रहा क्योंकि सेम डेट पर है। तो जब मैं उसका SR करूँगा तो बताओ 3000 डॉलर्स, सॉरी 75 लाख डॉलर्स मल्टीप्लाई बाय 42, सॉरी 42.50 माइनस 40, तो कितना हो जाएगा, 187.5। तो ये आ गया आपके सामने, ये इतना डॉलर हो गया। और ये आपका नंबर वन कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ द एक्सचेंज डिफरेंस। तो पहले तो मैंने डॉलर्स निकाले, दूसरा एक्सचेंज डिफरेंस, तो 187.50। बताओ आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है, देयर फॉर द एंटायर लॉस ड्यू टू एक्सचेंज डिफरेंस शुड बी चार्ज टू P&L अकाउंट। ये सारा का सारा P&L में चार्ज कर देना चाहिए। ये आपको मैंने सारी रामायण लिखवा दी कि जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा इनिशियली एंड बाद में रिपोर्टिंग से, दस द एक्सचेंज डिफरेंस रीपेमेंट लाइबिलिटी इंकर फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग असेट्स, क्या ट्रीट करोगे आप, इनकम और एक्सपेंस। समझ में आ गया, ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का है। और इन्होंने फिर एक्सचेंज डिफरेंस निकाल के दिखाया और फिर बता दिया कि ये पूरा का पूरा लॉस P&L में जाएगा। चले आगे, नोट ये बोल रहा था, इसने जो पूछा, यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट हाउ द ट्रांजेक्शन अकाउंटेड, कैसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, तो आपने बता दिया P&L में। हालांकि वो ऑलरेडी बताओ क्या करके बैठा है, द एंटायर डिफरेंस कैपिटलाइज, वो कैपिटलाइज करके बैठा है और वो बोल रहा है प्लीज बताओ अकाउंटिंग कैसे होगी। तो हमने पहले तो क्या सजेस्ट कर दिया उसे, AS 11 के ये डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस P&L में चार्ज होना चाहिए। नोट, अब नोट लगाओगे, द अबव आंसर हैज बीन गिवन ऑन द बेसिस ऑफ दैट द कंपनी हैज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शंस। आप जब भी वो बोले ना कैपिटलाइज कर दिया और अकाउंटिंग बताओ क्या हो गया, तो क्या रिकमेंड करोगे आप, AS 11 को रिकमेंड करोगे। और आप नीचे नोट लगाओगे कि हमने ये माना है कि उसने कैपिटलाइजेशन का ऑप्शन अंडर AS 11 ऑप्ट नहीं किया। बात समझ में आ रही है, पीछे दोबारा सुन लो, द अबव आंसर, ये जो आपने आंसर प्रोवाइड किया है कि P&L में जाना चाहिए, हैज बीन गिवन ऑन द बेसिस ऑफ कंपनी हैज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ द कैपिटलाइजेशन अवेलेबल अंडर पैरा 46 ऑफ AS 11। समझ में आ गया, एक बात, हाउएवर, लेकिन उसने तो क्या बोला है, कैपिटलाइज कर रखा है। हाउएवर इफ द कंपनी ऑप्ट टू अवेल द बेनिफिट गिवन पैरा 46A या 46A की बात है, देन नथिंग इज रिक्वायर्ड, तब कंपनी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बोलो समझ में आ गया, तो आप किसकी रिकमेंडेशन दोगे, पहले AS 11 की रिकमेंडेशन दोगे और फिर बोलोगे कि हमारे ऐसा, अगर कंपनी ऑप्शन लेती है तो बोलो, ऑप्शन नहीं लेती तो P&L में चार्ज करना है। लेकिन क्योंकि कंपनी ने बताओ क्या कहा है, हमने कैपिटलाइज कर दिया, तो उसको कोई भी फर्दर ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। गया क्या दिमाग में, ये बेटा मैंने आपको पैरा 46 की बात और बता दी, इसके साथ ही क्या कंप्लीट हो गया, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। मैं बार बार बोल रहा था, हम डिस्कस कर रहे हैं फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का पूरा कंप्लीट डिस्कशन हो गया। आई होप सबको समझ में भी आया होगा बेटा, फॉरेन, हरे कृष्ण, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन सबको समझ में आ गया, जल्दी से बोलो। एक बात पूरी हो गई, अब बची कुछ ही बात कल पूरी करेंगे। हरे कृष्ण बच्चों, इससे आगे नहीं, 10 मिनट।